सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी स्वास्थ्य के विषय में आप सबको जानकारी दें। धन्यवाद। माँ भगवती के पावन चरणों में सादर नमन और वंदन करते हुए आप सभी भक्तजनों का मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज हम सभी के समक्ष एक ऐसी गंभीर समस्या को लेकर के आया हुआ हूँ जिससे हम सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। विशेष करके हमारा जो परिवार है उसमें कुछ ना कुछ लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में उभर करके हम सब लोगों के सामने आ रही है और हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। जो बीमारियां कभी सुनने में नहीं मिलती थी आज वो बीमारियां सामान्य हो गई हैं, कॉमन रूप में हो गई हैं और हम लोगों ने अपने जीवन में उसे सामान्य मान लिया जबकि वो बीमारियां सामान्य नहीं है। आज हर घर में कोई ना कोई मधुमेह, हाई बीपी, लीवर की समस्या, थायराइड की समस्या, गठिया, जॉइंट पेन, यूरिक एसिड, तमाम ऐसी समस्याओं में इवन छोटे छोटे बच्चे मधुमेह के शिकार हो रहे हैं। हम जानते नहीं कि मधुमेह इतनी गंभीर समस्या है। मधुमेह बीमारी हमारे पूरे शरीर में दीमक की तरह हर अंग को खराब करती रहती है। जो दवा हम खाते हैं और उस समय जो उसमें शुगर का स्तर हमारे रक्त में रहता है वो उसमें से शुगर को कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी अंग में छुपाती है। जैसे लोहे में पानी लगने लगता है तो वहां देखिए जंग लगने लगता है, मतलब सड़ने लगता है। ऐसे वो शुगर हमारे जिस अंग में जा करके छुप जाती है वो अंग सबसे पहले खराब होता है और सबसे पहले प्रभावित होने वाला अंग है हमारा आँख। हमारी आँखें शुगर की बीमारी में सबसे पहले खराब होना शुरू होती है और धीरे धीरे करके एक एक अंग की क्षमता कम होती जाती है और हम बड़ी बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारियाँ, लीवर खराब हो जाने की बीमारियाँ और कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आते हैं। साथ में थायराइड नामक बीमारी, लोग जानते नहीं है बीमारी होती क्या है, इसका असर क्या होता है हमारे शरीर पे। थायराइड एक हमारे गले के पास में एक ग्रंथि होती है, एक छोटी सी ग्रंथि है जो यहाँ हड्डी पे लगी हुई है। उसका काम है हमारे शरीर में पूरे पचन पाचन की जितनी भी प्रक्रिया है उस पे नियंत्रण करना कि हम क्या खाए हैं, वो कैसे पचेगा, कहाँ जाएगा, किस काम में आएगा, ये सब नियंत्रण उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। ये बीमारियां जो ये जानते ही नहीं कि थायराइड होता क्या है वो भी परेशान है इससे। समस्या क्या है, समस्या हमारी जो जीवन शैली है, हमारे बेमेल आहार, बेतरकीब से आहार, गलत दिनचर्या, गलत सोच, यही सब मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिससे ये बीमारियां, बढ़ा हुआ रक्तचाप हो, हृदय की बीमारी हो, गठिया हो, ज्वाइंट का पेन हो, ये सब किसी से जुड़े हुए हैं। अगर हमने अपनी दिनचर्या सुधार ली, जो लोग लेट सो करके उठते हैं, हमारे शरीर में एक घड़ी चलती है कि हमारे हर अंग कब कितना कैसे काम करेंगे, वो घड़ी जैसे हमारी घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने घर में किसी एक घड़ी से उसको टाइम देख करके उसको करेक्ट कर लेते हैं। ऐसे जब सूर्य निकलते हैं और जो व्यक्ति सोता रहता है कुछ दिनों के बाद वो परमानेंट सोने की तरफ चला जाता है क्योंकि सूर्य के साथ ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद घड़ी उसका टाइम मिलता है और जब उसका टाइम मिलता है तो हमारा जो भोजन है वो सही पाचन में जाएगा, सही रस में टूटेगा, सही जगह लगेगा और हमारे सारे अंग स्वस्थ होते हैं। ध्यान ये रखें जो लोग बड़बड़ी में भोजन करते हैं वो धीरे धीरे करके हर बीमारियों की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं। हड़बड़ी में जल्दबाजी में भोजन न करें। आपको लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो आप भोजन छोड़ दीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी में भोजन आप खा के जा रहे हैं तो पूरा भोजन सड़ जाएगा, सड़ेगा, उसमें जहर बनेगा, एसिडिटी होगी, गैस बनेगा, हमारे ज्वाइंट में पेन होगा, बीपी बढ़ेगा, शरीर में दर्द रहेगा, उलझन होगी, शरीर सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, दिमाग सही काम नहीं करेगा।
तो खाने को चबा चबा के खाइए, अपने बच्चों को भी आदत डलवाइए, क्योंकि जो स्कूल जा रहे हैं अगर वो खाने को चबा चबा के नहीं खा रहे हैं तो उनका पूरा खून जो है दिमाग की बजाय पेट में ही बना रहता है। तो उनकी पढ़ाई में जो चीजें बताई जा रही हैं, एक तो उनकी तार्किक क्षमता कम रहती है, दूसरा उनका याददाश्त बहुत कम हो जाता है। मैं आपको कुछ एक गंभीर बीमारी की घरेलू चिकित्साएं बता रहा हूँ। ये चिकित्सा आप जो भी दवा अपनी कर रहे हैं, बाजार की ले आई हुई किसी भी दवा से कई गुना प्रभावी है। बाजार की कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो आपके थायराइड को, आपके बीपी को, आपके शुगर मधुमेह को परमानेंट ठीक कर सके, लेकिन आप अपने घर में उपस्थित चीजों से, घर के आसपास प्राकृतिक चीजों से आप इन बीमारियों को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। फिर से इन बीमारियों को आप उस स्थिति में ले आ सकते हैं कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन एकदम सामान्य रूप से जाएगा। जिसको थायराइड की बीमारी है, ध्यान से आप लोग कोई अगर नोट कर सकता है तो नोट कर ले, बाद में अपने मित्रगणों और सब लोगों में उसको शेयर करें। जिसको थायराइड की बीमारी है, कोई इस दम्भ में न रहे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम दवा कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, संभव ही नहीं, कोई दवा ही नहीं आती है। एक ही दवा है उसकी, जो सफेद कद्दू जिसकी आप लोग कोहड़ौली बड़ी बनाते हैं या पेठा बनता है, उस कद्दू का एक कप जूस सुबह खाली पेट पीना है, एक कप जूस सुबह खाली पेट पीना है, और एक प्राणायाम में आसन होता है, उसको ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिएगा, सर्वांग आसन बोलते हैं। आज तो सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, उस पे आप सर्वांग आसन लिख करके डालें। सर्वांग आसन कैसे करते हैं, वो मुद्रा कैसे फॉलो करनी है, मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से 2 से 3 महीना कर लिया ये उपाय, तो थायराइड नामक बीमारी तो आपके शरीर से गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी तो हो ही जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट इसी प्रक्रिया से ठीक हुए हैं, इसी प्राणायाम और इसी सफेद कद्दू से। साथ में जिसका बीपी बढ़ा रहता है, बीपी वो बीमारी है जो हमारे रक्त में पित्त बढ़ने की बीमारी है। पित्त मतलब एसिडिटी। जब चूंकि हमारा जितना भी खान पीन है आज के समय में सब अम्लीय हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पैकेट बंद चीजें खाने लगे हैं, उसमें जहरीले रसायन पड़े हुए हैं जो उसको सड़ने नहीं देते हैं, वो हम लगातार खा रहे हैं। अब हम लोग सलाद, फल, इन चीजों का सेवन सबसे कम करते हैं, ज्यादातर वही तीखे मिर्च, मसाले, वही रिफाइंड आयल, वही चीनी, जो चीजें शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं हम वही खाते जा रहे हैं। तो कोई दवा हमें ठीक कैसे कर सकती है, जब तक हम स्वयं से ये ना समझे कि हमारे इस खाने की वजह से ये बीमारी हमें आई है और हम उसमें सुधार नहीं करेंगे तो कोई दवा हमें ठीक कैसे करेगी। तो आप बीपी के लिए जो चीजें गर्म है, तीखी है, रिफाइंड है, जो चीनी है, जो चाय पत्ती आप पीते हैं, वो चाय पत्ती ऐसे लेने साथ में उसमें डाल के देखिए। मैं एक चाय बनाता हूँ, रोगांता हर्बल चाय, उस चाय में मुख्यतः यही सब, चूंकि उसमें कुछ और चीजें भी मिली हुई हैं, पुनर्नवापन मार्ग और तमाम चीजें, लेकिन इतने मात्र से आपको बहुत लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, वो आपको ठीक नहीं करने वाले हैं, परमानेंट डिजीज की तरफ ले जाने वाले हैं, आप बेड रिडन हो जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, बोले कि ज्वाइंट रिप्लेस कर लो, कोई आज तक ठीक नहीं हुआ उससे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं मुख्यतः 2 बीमारियों को टारगेट करके आप लोगों को बताया कि ये जो थायराइड और बीपी को कैसे बैलेंस करना है। घर से सेंधा नमक उपयोग करना शुरू करें, समुद्री नमक हटाएं। समुद्री नमक खाने के लिए नहीं है, ये 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन, उस समय से ये समुद्री नमक जो फैक्ट्री में यूज होता है, मशीनों में, वो हमारे खाने में पहुंच गया। ये टाटा वाटा ये सब नाम सुनकर के हमें क्या लगता है ये हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं, ये सब बच्चक हैं, ये अपना पैसा कमा रहे हैं। 10 पैसे किलो में नमक बनता है, 20 रुपए किलो आप खरीदते हैं, कितना बड़ा मार्जिन का फिगर है।
वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इसको छोड़ें, लेकिन अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आप बीमारियां आप इतनी बढ़ जाएंगी कि आप सिर्फ दवाओं पे ही जीवन चलने वाला है। और जिनके पास पैसा है वो तो कहीं से चला लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो अपना घर चलाना है, उनको भी तो काम करना है, उनको भी तो सबके साथ जुड़ना है। तो आप लोग अपने खाने पीने में इसका बदलाव जरूर ले आए। जो खाने के तुरंत बाद पानी पीता है वो जहर पीता है। आयुर्वेद का पहला सूत्र है भोजनान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में पिया गया जल विष के बराबर होता है, विष पीने के बराबर। आप एक घंटे बाद पानी पिए, जब तक खाना आपके पेट में है अगर आपने पानी डाल दिया तो वो खाना पूरी तरीके से सड़ने वाला है। मैदा खाना बंद कर दीजिए, आप दूध कोशिश करिए कि जो दूध बच्चे पी रहे हैं वो तो पिए, बड़े दूध का सेवन ना करें। कैल्शियम की लालच में आके कि वो कैल्शियम बढ़ाता है, कोई दूध कैल्शियम नहीं बढ़ाता, ये गलत जानकारी दी जाती है। जो डेयरी एसोसिएशन है, जो दूध की संस्थाएं हैं, वो ये गलत प्रचार फैलाती है कि दूध पीने से हमारे शरीर का विकास होता है। दूध उसी के लिए है जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, वही रसायन उसके पेट में बनते हैं जो उसका पाचन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे माँ को दूध नहीं होता, हम उसी पे डिपेंड रहते हैं। प्रकृति ने जो बनाया है उसके साथ भिन्न भिन्न बीमारियां आती हैं। सोच बेहतर रखें, माता जी के चरणों में नमन करें, प्रकृति के साथ चले, जीवन के साथ चले, खुद को खुश रखें, सबको खुश रखें। सबका करता हूँ, सभी लोगों को कुछ न कुछ समझ में आया होगा। हमारा एक YouTube चैनल है वैदिक गुरु VAIDIK GURU, उस पे हम लगातार बहुत सारी आयुर्वेद से जुड़ी, घरेलू चिकित्सा से जुड़ी, आसपास प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारियां उस पे हम भेजते रहते हैं। आप ही जैसे माताओं बहने भाई बंधु सब पूरे भारतवर्ष से जुड़े हैं उसमें, हर जगह हम जाते हैं। अभी एक हफ्ते पहले मैं बेंगलोर में था, फिर वहां से बॉम्बे आया इसी प्रोग्राम को करने के लिए, वहां से गाजियाबाद आया। आप लोगों के बीच में नवरात्र के समय में सब लोगों के बीच में हर जगह जा रहा हूं। कोशिश करिए माता बहन कि दवाओं के चक्र से आप लोग बाहर निकल पाए, उसके लिए आप लोगों को एक कदम आगे आना पड़ेगा। बीच बीच में मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को ऐसी चिकित्साएं बताता रहूंगा कि जिसमें आपको कहीं भी एक रुपए खर्च नहीं करना है और आप संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। जय माता की, सबको प्रणाम है, जय सिया राम।